के साथ वैक्स 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्यारा सा क्रॉसिंग करते हुए लेवल क्रॉसिंग पर। ट्रैफिक ने अभी फाटक अपने बंद कर लेते हैं फटाफट से। WDP 40 के साथ कोई राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे क्रॉस करेगी और मुझे दो बंदे मिले हैं और ये डीजल लोकोमोटिव WDG 4 के सारे गाड़ियों वाले ड्राइवर के पागल हो चुके हैं गाइस। बस आने तक हमें यहाँ पर 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। तो कितनी फास्ट है गाइस वैप 7 के साथ। इस बस वाले भैया ने हमें काफी देर से यहाँ पर पहुँचाया है गाइस। आज हमारी गेटमैन की ड्यूटी होने वाली है। ड्यूटी के ठीक 2 घंटे पहले हमें कॉल आ जाता है, वो बोलते हैं कि आपकी ड्यूटी इस शहर में या इस गांव में है, वहां तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। 2 घंटे पहले फ़ोन आता है और आज हमारी ड्यूटी होने वाली है गेटमैन की। और हमारा सामने में कैबिन है, अभी वहां से रोड क्रॉस करेंगे हम। बहुत सारा ट्रैफिक वगैरह है गाइस, आप देख ही सकते हैं। इस बस का लीवर इंडियन का फ्लैग है, मस्त लग रहा है लीवर गाइस। और दो व्हीकल्स आ रहे हैं, फटाफट जाओ भाई हमें जाना पड़ेगा वो साइड में। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने फाटक के पास और हमारे साथ हैं हमारे गेटमैन सर भी हैं यहाँ पर, हमारे साथ मदद करेंगे। इनके पास कॉल आएगी इनके पास और हम कंट्रोल करेंगे। सामने में आप देख सकते हैं हमारा कैबिन है, आपको सारा कुछ दिखाएंगे कैसे कैसे ड्यूटी होती है गेटमैन की, क्या क्या पेपर साइन करना पड़ता है। कैबिन में जाके हमें सब पेपर को साइन करना पड़ता है और आप थोड़ा ट्रेन आने तक नज़ारा देख सकते हैं। और हमारी ड्यूटी 10 घंटे की ड्यूटी है, डे ड्यूटी, और इनके गेटमैन सर की इनकी नाइट ड्यूटी रहेगी, हमारी डे ड्यूटी है। आप देख सकते हैं अभी इधर यहाँ लीवर है, ये लीवर हमें खींच के इस फाटक को बंद करना पड़ता है। 2 फाटक है और यहाँ से 2 रेलवे लाइन गुजरती है, एक कैबिन है हमारे दोनों भी। और ये सामने में हमारा टॉयलेट है, छोटा सा टॉयलेट, ज़्यादातर कैबिन में ये होता नहीं है, हमारे यहाँ है लेवल फटक पर। तो गाइस अभी इनको पूछते हैं गेटमैन सर को कब तक ट्रेन आने वाली है नेक्स्ट ट्रेन। अभी हमारी ड्यूटी स्टार्ट हुई है और ये रुकेंगे सिर्फ देखने वाले हैं। इनके पास फ़ोन है, ये हमें कॉल आया तो बता देंगे। अभी यहाँ पर कोई ट्रेन वगैरह दिख रही नहीं है, पहले इनको कॉल आएगा। जब भी ट्रेन 1 किलोमीटर दूर भी होगी फाटक से हमें कॉल आएगा यहाँ पर। अक्सर लोग समझते हैं कि गेटमैन ड्यूटी बहुत आसान है, आप पहले ड्यूटी ज्वाइन तो करो, पता चल जाएगा ज़िंदगी और मौत के बीच का आपको खेल पता चल जाएगा। यही नहीं अभी और सुनिए, हज़ारों गाड़ियों को संभालना पड़ता है, गेटमैन की ड्यूटी ऐसी होती है। वो सब छोड़ के मैं आपको अपना कैबिन दिखाता हूँ अंदर जाके। हमारे यहाँ पर एक CCTV कैमरा होता है, वो हमें वहाँ पर जाना पड़ता है। अच्छा हमको सिखा दिया है ट्रेन आने से पहले, बाद में ट्रेन आने के बाद। ये दिखाता हूँ आपको, छोटा सा रूम है, ये देखिए हमारे राइट साइड में है, छोटा है लेकिन कैबिन। ये देखिए यहाँ पर कुछ भी सामान वगैरह नहीं है, अभी हमारी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर। चल झूठा। और आज का मौसम काफ़ी शानदार है और यहाँ पर देखो इंडियन लीवरी के साथ 2 बस साथ में जा रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। उनको पूछते हैं ट्रेन आ रही है या नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। गई सर बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में यहाँ से एक ट्रेन गुजरेगी, तुम ट्रैफिक को संभालो, मैं इस गेट को बंद कर दूँगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो चलो हम ट्रैफिक को देख लेते हैं कितनी ट्रैफिक वगैरह भी आ रही है, वो भी लिखना पड़ता है हमें, कितने गाड़ियाँ वगैरह आ रहे हैं। आप गेट बंद करो। A few moments later. अब ये क्या हो गया, आज तो तू गया बेटे, आज तेरी मौत पक्की है। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। और गाइज ये फर्स्ट टाइम नहीं है, काफ़ी बार होता रहता है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर रेवल फाटक पटक जाते हैं और काफ़ी लोग की भी मौत भी होती है। फाटक को अगर ओपन करूँगा तो मैं सारा ट्रैफिक फिर से इकट्ठा होगा, ट्रैफिक को हमें संभालना पड़ेगा फिर से। ये ट्रक शायद ट्रैक से काफ़ी दूर है, ट्रक बच जाएगी गाइज मुझे लगता है। और यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है हमारे राइट साइड में, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो सब व्हीकल इकट्ठा होएंगे, इससे अच्छा है कि हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ देर के लिए। तो देखते हैं कब तक ट्रेन आती है। A few moments later. तो गाइज वो टाइम अभी आ चुका है, अभी फ़िलहाल में हमें मैसेज आया है अभी ट्रेन आने वाली है। अभी आ चुकी है ट्रेन, गुड्स ट्रेन के साथ वैक्स 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्यारा सा क्रॉसिंग करते हुए लेवल क्रॉसिंग पर। ये फर्स्ट क्रॉसिंग है हमारी ड्यूटी की, फर्स्ट क्रॉसिंग, कितनी बढ़िया लग रही है गाइज। गाइज वो ट्रक बच चुकी है, उसको कुछ भी डैमेज वगैरह नहीं आया होगा। देखो गाइस काफ़ी दूर है वो ट्रक ट्रैक से भी,
और ये काफ़ी बड़ी नहीं मालगाड़ी, छोटी सी है। और गार्ड साहब झंडा दिखाते हुए ग्रीन सिग्नल, अभी हमें हमारा गेट ओपन करना पड़ेगा। देखो गाइस, जैसे ही मैंने ओपन किया गाड़ियाँ, देखो सिग्नल को अभी तोड़ डालेंगे, ऐसे कर रहे हैं, सॉरी गेट को। अभी गाइस एक ट्रेन क्रॉस कर चुकी है यहाँ से, हमें ये सारा नोट डाउन करना पड़ेगा अभी अपनी बुक में, और कितने बजे आई थी, कितने बजे यहाँ से क्रॉस कर चुकी है, ये सारा कुछ हमें अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा, और कितना ट्रैफिक था सारा कुछ। अभी देखते हैं नेक्स्ट ट्रेन कब तक आती है, तब भी हमें ऐसी ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा अपने गेटमैन सर के साथ। गाइस अभी थोड़ी देर में फिर से एक ट्रेन क्रॉस करेगी रेवल फाटक से, थोड़ी देर में अभी ट्रेन आएगी, हमारे गेट सर ऐसे बोल रहे हैं, गेटमैन सर, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, उतना बहुत ट्रैफिक नहीं है, अभी फाटक को अपने बंद कर लेते हैं फटाफट से, एक भी व्हीकल नहीं है गाइस, शुक्र है कि कोई भी व्हीकल नहीं है यहाँ पर। हमने जल्दी से अपने गेट को बंद किया है, काफ़ी जल्दी किया है हमने। अभी सामने में बस आ रही है, रुक जा भाई बस, कितना आगे लेके जाएगा क्या। अभी एक ही बस यहाँ पर खड़ी है लेवल फाटक पर, ट्रेन अभी की नहीं है, काफ़ी देर हो चुका है। अरे बाप रे गाइस, अच्छा हमें जल्दी बंद किया गेट को। देखो गाइस सामने में ट्रेन कितनी फास्ट आ रही है WDP 40 के साथ, कोई राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पे क्रॉस कर रही है रेवल फाटक पर। शुक्र है हमने जल्दी से गेट बंद किया, यहाँ पर ट्रैफिक भी कम था, अच्छा हुआ गाइस। और ये तीन इस शताब्दी के कोचेज लगे हैं इसमें, काफ़ी फास्ट है गाइस ट्रेन। तो अभी गेट को ओपन करते हैं फटाफट से, गेट को हमने ओपन कर दिया है, और काफ़ी शानदार तरीके से व्हीकल्स अभी गुजर रहे हैं फाटक पे। अभी गाइस इस टाइम तो कोई भी ट्रेन नहीं आएगी, अभी हमें ट्रैक को चेक करना पड़ेगा दोनों ट्रैक्स को, क्या कहाँ पर ख़राबी तो नहीं आई है, और हमें फ़ोन लगाना पड़ेगा उनको, बोल के कॉल करना पड़ेगा हेल्पलाइन नंबर से। सारे ट्रैक सही है, लेकिन वो ट्रैक में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है मुझे, उनको बोल देते हैं कि चेक करें, वो आके वो चेक करके वही देख के जाएंगे। और यहाँ पर मुझे दो बंदे मिले हैं, और तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर, सिगरेट दारू पी रहे हो यहाँ पर, क्या चलेगा नहीं, तुम दोनों थोड़ा ट्रैक से दूर खड़े रहो, क्योंकि अभी ट्रेन आने वाली है फिर से एक, हमारे गेट मैन सर गेट बंद करेंगे। गेट को उन्होंने बंद कर दिया है, और यहाँ पर ये देखो लापरवाही का नतीजा, ये गाड़ियों वालों को बहुत ज़्यादा गड़बड़ रहती है, और वहाँ की गाड़ियों को भी गड़बड़ है, यहाँ की गाड़ियों को भी गड़बड़ है, और तुम दोनों देखो इतना सारा कंट्रोल करना पड़ता है इस गेट मैन को, ये ड्यूटी आम ड्यूटी नहीं है। ये लेवल क्रॉसिंग फाटक किसी लिए बनाए गए हैं, ये गाड़ियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, ये तो भी गाड़ियों वालों की, भाई अगर एक मिनट रुक जाते तो तुम्हें क्या हो जाता। और अभी ट्रेन भी आ चुकी है देखो गाइस, और ये डीजल लोकोमोटिव WDG 40 और WDP 4 ट्विन लोकोमोटिव है, ट्विन नहीं कह बोल सकते इसको, दो लोकोमोटिव लगे हैं इस गुड्स ट्रेन में, काफ़ी बड़ी होगी ट्रेन ये, देख के लगता है बहुत हार्ड वर्क करते हैं दोनों लोकोमोटिव गाइस। अगर आप डीजल लोकोमोटिव को पसंद करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी हमने गेट को ओपन कर दिया है, देखो कितनी सारी भीड़ थी, ट्रैफिक देखो, डबल ट्रक्स, कितने सारे व्हीकल्स है गाइस। अभी हमारी सिर्फ 2 घंटे बची है ड्यूटी, अभी हम जाएंगे अपने घर। गाइस अभी हमारे गेट मैन सर को एक कॉल आई थी कि अभी ट्रेन आने वाली है, हमें गेट बंद करना पड़ा जल्दी से। आज के सारे गाड़ियों वाले ड्राइवर के पागल हो चुके हैं गाइस, देखो फिर से इन्होंने यही कर दिया, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये जाएगा गाइस, ये पक्का जाएगा आज, इसकी आज टिकट कट चुकी है, अगर ट्रेन इस राइट और ट्रैक से आई तो बच जाएगा, वरना ये गया। ओ गाइस ट्रेन भी आ चुकी है, वो भी राइट ट्रैक से, तो बच के गाइस, कितनी फास्ट है गाइस, WAP 7 के साथ हम सफ़र एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है लेवल फाटक पर, ये ट्रक और कार दोनों सलामत हैं, शुक्र है। और ये ट्रेन ख़त्म हो चुकी है, ये लास्ट क्रॉसिंग था, अभी हमारी ड्यूटी हो चुकी है यहाँ पर एंड। तो हमने अभी अपने गेट को ओपन कर लिया है, देखो कितने फास्ट व्हीकल्स जा रहे हैं, हमारी बस आने तक हमें यहाँ पर 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक हम कुछ भी एक काम कर लेते हैं।
हमारी बस आने तक हम कुछ देर के लिए यहाँ पर ट्रैक्स को वगैरह चेक कर लेते हैं। हमारे सर ने क्या हमें गेटमैन सर ने ट्रैक्स को चेक करो, तुम कोई तो प्रॉब्लम हो तो हमें बता देना, हमें इंडियन रेलवे के ऑफिस सर को बोल देंगे, ऑफिसर को। दोनों ट्रैक्स सही सलामत है गाइस। ये सारा कुछ गेटमैन को चेक करना पड़ता है, कैसे कैसे चल रहा है व्हीकल, सारा कुछ बहुत मुश्किल ड्यूटी है गाइस। आज का व्लॉग यहाँ पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको आज का व्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बता देना। तो आपको इंडियन रेलवे गेटमैन की लाइफ की स्टोरी कैसे लगी है हमें ज़रूर कमेंट बता देना। तो मिलते हैं आपको इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।